हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंग्लिश पेपर तैयार कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। लेट एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर एस ग्रेटर देन जीरो वाई ग्रेटर देन जीरो। इस फंक्शन से आर में एक डिफाइंड फंक्शन है। गिवन वाई फंक्शन जो है एक्स टू पावर वन बाई थ्री वाई टू पावर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई एक्स एफ एक्स एक्स वाई प्लस वाई एफ वाई एक्स वाई और अपॉन एफ एक्स वाई चेंज विद एक्स बट नॉट विद वाई चेंज विद वाई बट नॉट एक्स चेंज विद एक्स एंड विद वाई आल्सो आइदर नाइदर चेंज विद एक्स नॉर विद वाई। तो फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि इसमें हमारे पास मोस्टली पूछा क्या गया है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने हैं और वैल्यू पुट करके वैल्यू चेक करनी है वो चेंज होती या नहीं होती, किस तरह की वैल्यू आती है, उसके नेचर क्या होता है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फंक्शन है। पहले हम निकालते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ एक्स निकालते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये निकालते हैं, तो यहां से हमारे पास पहले इसका कर रहे हैं, तो इसका करेंगे तो पहले इस टर्म पे करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो इसका क्या तो हमारे पास आ जाएगा वन बाई थ्री आगे एक्स टू दी पावर वन माइनस वन बाई थ्री, तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री वन माइनस वन बाई थ्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास थ्री माइनस वन अपॉन सॉरी वन बाई थ्री माइनस वन वन बाई थ्री माइनस वन, तो यहां से माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। और ये हो गया वाई टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री, ये कॉन्स्टेंट रहेगा वाई, तो ये हो गया एंड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये आ गया जो हमने एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री का किया, तो वन बाई थ्री आ गया और ये टर्म प्लस। अब हम इसका करेंगे टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स और इसको छोड़ के, तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री वाई टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री। टेन इनवर्स का क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का अगर हम देखें, टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास वाई अपॉन एक्स है, तो इसका हो जाएगा वन अपॉन, तो वन अपॉन वन को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखेंगे हम, तो ये जो है वन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम एलसीएम लेके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और जो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया। अब हमें वाई अपॉन एक्स का भी करना है, तो वाई अपॉन एक्स करेंगे तो वाई तो एज अ कॉन्स्टेंट रहेगा वाई, और जब एक्स करेंगे तो वन अपॉन एक्स करेंगे, यानी वाई अपॉन एक्स करेंगे वाई का तो कॉन्स्टेंट रहेगा, वन अपॉन एक्स करना है हमें, तो वाई अपॉन एक्स का माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो यहां से हमारे पास ये आ गया, और अब ये टर्म भी है फ्रेंड्स हमारे पास, ये टर्म है, इसका करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स टू दी पावर माइनस सॉरी इसको मैं लिखना चाह रहा हूं पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं, माइनस वन बाई टू आ जाएगा, तो माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू हो जाएगा, तो यहां से हम ये हो जाएगा, और उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर करना है तो टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से हम लिख सकते हैं इसको टू एक्स अपॉन टू माइनस का, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अगर हम इसको और इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ एक्स को लिख सकते हैं हम, एफ एक्स को लिख सकते हैं, यहां से हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहां से तो हम कुछ चेंज कर नहीं रहे, तो जाएगा वन अपॉन थ्री एक्स टू दी पावर माइनस टू बाई थ्री वाई टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। और बेसिकली हमें यह चाहिए कि एक्स डॉट एक्स का मल्टीप्लाई हम यहाँ कर ही लेते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, तो x का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे, पहले इसको हम और इजी फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस ये हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया, तो हमारे पास और यहां से अगर y और इसको देखें y की पावर माइनस फोर बाई थ्री और y की पावर वन, तो ये y की पावर वन बाई थ्री ले जाएगा माइनस का, तो एक्स टू दावर वन बाई थ्री वाई टू दावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन,
और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और साथ में ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास, और जब ये हो गया तो हमारे पास लास्ट टर्म ये थी, तो टू से टू कट जाएगा, तो ये माइनस ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स बराबर आ गया। अब हमें निकालना है एक्स डॉट एफ एक्स, ये निकालेंगे, पर पहले हम एफ वाई निकाल लेते हैं। यहां से अगर एफ वाई निकालना चाहे तो यहां से हम एफ वाई बराबर, पहले हम इसका कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्स टू द पावर वन बाई थ्री, वाई टू द पावर माइनस फोर बाई थ्री का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर बाई थ्री आगे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस फोर बाई थ्री एक्स टू द पावर वन बाई थ्री वाई टू द पावर माइनस फोर बाई थ्री माइनस वन, तो हो जाएगा वाई टू द पावर माइनस सेवन बाई थ्री, ये हो गया। और ये टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ये हो गया जब हमने इसका किया, इसको छोड़ के। अब हम जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री वाई टू द पावर माइनस फोर बाई थ्री, इसका करेंगे तो पहले की तरह ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब जब इसका करेंगे वाई अपॉन एक्स का, तो एक्स तो एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये हमारे पास एक्स आ जाएगा, वाई का वन आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास वाई का वन आ जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ये हो गया फ्रेंड्स। अब जब ये हो गया तो अब हमें इसका करना है, इसका करेंगे तो बेसिकली जो पहले किया था सिंपली उसी की तरह होगा, और इसका आ जाएगा वाई अपॉन माइनस के साइन के साथ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जैसे एक्स का किया था उसी तरह से यहाँ वाई का आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब अगर इस नंबर देखें तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये कट गया, और एक्स का इसका मल्टीप्लाई देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर फोर बाई थ्री हो जाएगा, ये हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन में हम एफ एक्स में तो हमें एक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स टू पावर माइनस टू बाई थ्री, और इसकी पावर वन एड होगा तो एक्स टू पावर माइनस टू बाई थ्री प्लस वन, तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर वन बाई थ्री, इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर वन बाई थ्री, जब एक्स का मल्टीप्लाई किया, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हमारे पास एड होके ये वन बाई थ्री प्लस वन फोर बाई थ्री हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब इसमें हमें y का मल्टीप्लाई करना है, y डॉट एफ वाई, तो इसमें y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे वन प्लस एड होगा, तो ये y टू द पावर फोर बाई थ्री रह जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इसमें भी वन एड होगा, तो ये हमारे पास वन बाई थ्री रह जाएगा, और अब इसमें करेंगे तो ये y स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें सम करना है, तो इन दोनों का जब सम करते हैं तो सम करने पर कुछ टर्म कटेंगी या कुछ टर्म जुड़ेंगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या टर्म कटती हैं क्या टर्म जुड़ती हैं। तो ये यहाँ पे वन बाई थ्री एक्स टू दावर वन बाई थ्री वाई टू दावर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस फोर बाई थ्री एक्स टू दावर वन बाई थ्री वाई टू दावर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास जब सम कर रहे हैं तो हमारे पास जी एक्स वाई हो जाएगा, ये जी एक्स वाई ये वाला सम, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये चीज देख रहे हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास अभी सम देख रहे हैं, तो हम ये वाले डिवाइड नहीं कर रहे, अभी हम सम कर रहे हैं, तो ये माइनस फोर बाई थ्री और वन बाई थ्री इन दोनों का सम होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ओनली वन रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर सॉरी माइनस संख्या, तो इस टर्म इन दोनों टर्म का संख्या तो माइनस एक्स टू दी पावर वन बाई थ्री वाई टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब फिर सेकंड टर्म को देखते हैं एक्स स्क्वायर फोर बाई थ्री वाई टू पावर माइनस वन बाई थ्री और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो कट जाएंगे, तो इससे ये कट गया। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं हमारे पास वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बस ये अंतर है, तो इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब फिर अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ 3/2 है, तो इसको हम यहां से डिवाइड करना चाहें तो इसको हटा के ये तो 1 रह जाएगा और ये पावर 1/2 हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने सपोज यहां, तो यहां प्लस आ जाएगा, ये हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर 1/3 बाई 2 पर माइनस 4/3 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ये टर्म प्लस 1/√ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म, तो ये क्या हो गया हमारे पास इक्वल टू एफ एक्स वाई। फ्रेंड्स ये हमारे पास एफ एक्स वाई है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये टर्म इन दोनों का सम अपॉन एफ एक्स वाई, और साथ में माइनस का साइन दिया यहां पे, माइनस का साइन, तो ये हो गया हमारे पास। ये तो हमारे पास सिंपली इन दोनों का सम था, यानी वाई एफ वाई प्लस एक्स एफ एक्स बराबर था। अब हमें इसमें डिवाइड करना है, तो जी एक्स वाई जो है वो है वाई एफ वाई प्लस एक्स जी एक्स एफ एक्स, यानी ये टर्म एक्स एफ एक्स ये और वाई जी वाई ये अपॉन एफ एक्स वाई। अगर आप ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आया माइनस एफ एक्स वाई ये टर्म, तो और ये हमारे पास एफ एक्स वाई, तो ये आ गया हमारे पास माइनस वन। तो जी एक्स वाई बराबर जो आ गया था, जो आया हमारे पास माइनस वन। अब माइनस वन एक ऐसा नंबर है जो तो ना तो एक्स के चेंज होने पर चेंज होता है ना वाई के चेंज होने पर चेंज होता है, तो इस कंडीशन में कहेंगे कि जो ऑप्शन डी था कि नाइदर विद एक्स नॉर विद वाई, तो ये किसी के साथ भी चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।